हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कि टू वे का स्लैब डिज़ाइन किस तरह करते हैं, रॉड्स का मतलब रीबार जो होता है उसका इंस्टॉलेशन किस तरह होता है, और एल वाई बाई एल एक्स मतलब टू वे स्लैब और उसका जो रिएक्शंस रहेंगे वो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा एक साइट है जहाँ पे स्लैब का रीबार इंस्टॉलेशन हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा टू वे स्लैब है, और ये जो ओपन दिख रहा है सेंटर ऑफ द पोर्शन में, यहाँ पे स्टेयरकेस आने वाला है, इंटरनल स्टेयरकेस आ रहा है, जैसे कि ये डुप्लेक्स टाइप बना रहे हैं। टेक्निकल टर्म है इंजीनियरिंग का, एल वाई बाई एल एक्स लेस देन टू आया तो टू वे स्लैब है, अगर एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन टू आया तो उसको वन वे स्लैब कहते हैं। टू वे स्लैब वन वे स्लैब का मतलब ये होता है कि टू वे स्लैब को आप देख सकते हैं चार तरफ से है ना बीम से बांधे हैं, मतलब क्योंकि दो भी तरफ से मतलब चारों तरफ से उसका लोड एक्ट करता है स्लैब पे, बेंडिंग के चांसेस रहेंगे, तो वो बेंडिंग जो होता है स्लैब को उसको बचाने के लिए इसको बीम्स लगाते हैं। और वन वे स्लैब में सिर्फ टू साइड से मतलब ओनली वन डायरेक्शन में ही बेंड होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप कभी भी कई साइड्स में देख सकते हैं खाली दो तरफ ही आपको बीम्स दिखेंगे, दो तरफ बिना बीम का ही स्लैब रहेगा, उसको वन वे स्लैब कहते हैं। और ये देख सकते हैं क्रैंकिंग्स का, ये बड़ा मेन चीज़ रखता है, ये क्रैंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे लोड का रिएक्शन लेता है, स्ट्रेस लेता है। इंडियन कोड्स के डिज़ाइन के हिसाब से है ना एल बाई फोर पे करना चाहिए, जो कि 25% आएगा, जो भी स्लैब का लेंथ रहेगा उसमें से 25% का ये क्रैंकिंग बार होना चाहिए। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कहते हैं एल बाई थ्री मतलब 33% का जो लेंथ रहेगा उस पोजिशन पर क्रैंकिंग करना चाहिए। दो क्रैंकिंग बार्स है, ये क्रैंकिंग बार्स के ऊपर मतलब ये जो इंटरमीडिएट पोजिशन पर जो रॉड है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार रहेगा, उसका जो लेंथ रहना चाहिए 0.3L, मतलब जितना भी ये डिस्टेंस है उसमें से 0.3 मतलब 30% का लेंथ का रीबार लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशनल लोड लगेगा स्ट्रेस हो जाएगा इस जगह पे, वो चीज़ है ना जो फ्लक्चुएशन से बचाएगा। ये जो डिसकंटिन्यू एरिया जो रहता है मतलब डिसकंटिन्यू का मतलब इसके आगे कोई स्लैब नहीं है, तो इस जगह पे जो क्रैंकिंग का लेंथ होना चाहिए 0.15L, मतलब जितना भी लेंथ होता है उसमें 15% का जो लेंथ रहता है वहाँ पे इसका क्रैंकिंग होना चाहिए। और जो ये एक्स्ट्रा बार होता है जो क्रैंकिंग बार्स के बीच में जो बार है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार लगता है इसका लेंथ होना चाहिए 0.25L, मतलब जितना भी ये लेंथ है स्लैब का तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से 0.25 यानी 25% का लेंथ का रीबार यहाँ पे एक्स्ट्रा बार लगाना चाहिए। और चेक करेंगे बीम का रीबार के बारे में, टॉप बार जो मेन बार दिए हैं 16mm का, बॉटम के दो बार जो मेन बार दिए हैं वो भी 16mm का, और ये जो कर्टाइल बार्स दिए, कर्टाइल बार्स मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बार जो बॉटम में दिए हैं वो 20mm का दिए हैं, उसका जो लेंथ होना चाहिए 0.75L, मतलब जितना भी लेंथ है उसमें से 75% का लेंथ होना चाहिए। और जो टॉप बार्स जो होते हैं एक्स्ट्रा बार्स, टॉप एक्स्ट्रा बार्स जो होते हैं ये 20 डायामीटर का रीबार दिए हैं जिसका लेंथ होना चाहिए एल बाई थ्री। हम रीबार को थोड़ा क्लोजली बताने की कोशिश करते हैं किस तरह ये क्रैंकिंग हुआ है, ये देख सकते हैं। और हम ये जो क्रैंकिंग का लेंथ है इसका एक पेपर पे लिख के आपको एंड ऑफ द वीडियो में हम पोस्ट करेंगे, ताकि आपको भी कुछ आइडिया आ जाए, और कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जैसे आपका घर कर रहे हैं या फिर आप कहीं साइट इंजीनियर हैं तो आपका नॉलेज भी इसके हिसाब से हो जाएगा। ये पूरा टू वे स्लैब है और सारे बीम्स के जो लेंथ है वो 16mm का दिए हैं टॉप बार्स एंड बॉटम बार्स का, और जितने भी एक्स्ट्रा बार्स है टॉप एंड बॉटम के वो 20mm दया के दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो कहते हैं इसको संकेन स्लैब कहते हैं, संकेन स्लैब इसलिए करते हैं कहते हैं कि ये जहाँ पे भी अपना बाथरूम आते हैं जहाँ पे इतना नेसेसरी नहीं होता जो स्लैब ऑफ द हाइट 10 फीट का या 11 फीट का लगाने के लिए, इसके लिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको अपन संकेन स्लैब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ कंक्लूजन देंगे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या पॉइंट्स बताएंगे जो कि साइड पे चेक करना चाहिए। फर्स्ट चीज़ है जो शटरिंग के जो जॉइंट्स हैं उस पर मास्किंग टेप लगाना चाहिए, मास्किंग टेप हो या फिर कोई भी सीलेंट हो या जो भी चीज़ लगा रहे हैं तो उसको पहले लगा देना चाहिए रीबार इंस्टॉलेशन करने से पहले, क्योंकि उसमें से जो स्लरी चले जाता है जिससे जो एग्रीगेट्स मतलब जो कंकर उसमें डालते हैं
उसका जो स्ट्रेंथ होता है पक्का टो होती है वो नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट चेक करना चाहिए रॉड इंस्टॉलेशन से पहले कि सही तरह से इसको ऑयल लगाना चाहिए, शटर ऑयल। लेकिन कई कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं कि डीजल वगैरह लगाते हैं, उस चीज़ से ना लगाएं क्योंकि वो जो कंक्रीट का कलर होता है एकदम चेंज हो जाता है। और रीबार इंस्टॉलेशन के बाद कवर ब्लॉक्स लगाने का सही तरह से चेक करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट देखना चाहिए कि ये जो रीबार इंस्टॉल किए हैं बोथ द डायरेक्शन वो 6 इंच के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है उसको 8 इंच पे लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप बोथ द डायरेक्शंस के जो भी रीबार रहेंगे उसको 6 इंच सेंटर टू सेंटर लगाएं। सो फ्रेंड्स, आप जब भी रीबार लेने जाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 415, 500, 550, 600 ये सारे चीज़ नंबर लिखे हुए रहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है रीबार का उसका इंडिकेशन है वो 415 और जो भी नंबर इंडिकेट करते हैं। और ये खास करके डी जो होता है उस वो रीबार में है ना एलोंगेशन ज़्यादा होता है। एलोंगेशन का मतलब होता है जब भी अर्थक्वेक वगैरह जो भी सेटलमेंट होता है तो रॉड जो टूटने से पहले जो एलोंगेशन मतलब इलास्टिक के जैसा जो बेंडिंग होता है वो चीज़ ये डी के इंडिकेशन में कहीं ज़्यादा रहता है।